के पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि फीवर शुरू हुआ 3-4 दिन के लिए, इनसे पास में किसी ने बताया, किसी दवा की दुकान पे गया, वहां से कुछ एंटीबायोटिक ली, फीवर की दवा ली, 3-4 दिन में ठीक हो गया, दवा छोड़ दी, उसके 1 हफ्ते बाद फिर से फीवर हो गया। इवेंचुअली क्या होता है, वो रेजिस्टेंट केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जो इनिशियली बहुत अच्छी हल्की सी और सस्ती वाली एंटीबायोटिक्स थी, जो बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी टाइफाइड के लिए, अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। धीरे धीरे हर डिकेड में हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखना पड़ रहा है, और अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ गए हैं जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about typhoid. Typhoid मॉनसून के साथ साथ आता है, लेकिन इसका क्या कनेक्शन है और टाइफाइड के क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक जी। सर कैसे हैं आप? सर आपको बहुत बहुत स्वागत है शो में। सर टाइफाइड को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं अब, क्योंकि मॉनसून के साथ साथ टाइफाइड पता लगता है कि हर एक लाइक 10 में से 1 को पता लग जाता है कि इसको टाइफाइड है। तो ये जानना चाहूंगी कि टाइफाइड का मॉनसून से कैसे कनेक्शन है और मॉनसून में इतना क्यों होता है। पहले थोड़े से टाइफाइड के बारे में बात कर लेते हैं। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो यूजली जो हमारे शरीर में कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू इन्फेक्ट होती है, और उसके साथ हमारे बॉडी में ग्रो करती है और डिजीज क्रिएट करती है। जहाँ तक बात है मानसून सीजन की, बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, वाटर लॉगिंग, वाटर कंटेमिनेशन, स्ट्रीट साइड वेंडर्स से फूड का कंजम्पशन या अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, इसकी वजह से मानसून सीजन में ये टाइफाइड के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। अगर बात करते हैं इंडिया की या साउथ एशियन कंट्रीज की, तो इंडिया के रिसेंट सर्वे में भी पता चला है कि रिसेंटली अगर हम इवन पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया सबसे कंपेयर करें, तो पर 1 लाख पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ टाइफाइड केसेस है वो हाईएस्ट होते हैं। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, रॉन्ग मानसून सीजंस, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अनअवेयरनेस, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है जो अनट्रीटेड या अनक्योर्ड केसेस हैं, जो जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं और वो लगातार घूम रहे हैं, वो कंटेमिनेट कर रहे हैं सॉइल को, वाटर को, और उसके थ्रू स्प्रेड होता रहता है। सिम्टम्स की बात करें तो टाइफाइड के सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स होते हैं फीवर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीवर होता है जिसे हम स्टेपलेडर फीवर बोलते हैं। हर बार जो फीवर की फ्रीक्वेंसी होती है वो पहले से थोड़ी बड़ी होती है, बेसलाइन को कभी टच नहीं करता है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है इनिशियल फर्स्ट वीक में, इसमें कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स यूजली नहीं होते हैं। 1 हफ्ते के बाद इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, डिफ्यूज पेन इन एब्डोमेन, इस टाइप के सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ये जनरलाइज्ड वीकनेस, बॉडी पेन, ज्वाइंट पेन, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो मानसून के साथ इसका रिलेशन सिर्फ हमारे अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस ही नहीं है, हमारे फूड एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है। ओके सर, जैसे आपने सिम्टम्स बताए हैं तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सिम्टम्स जो है वो काफी सिमिलर है डेंगू से। हाँ, so, कैसे हम इसको पता कर पाएंगे? हाँ, सिमिलरली इस में डेंगी, मलेरिया, वायरल फीवर भी होते हैं, लेकिन अगर आप देखें इनके पैटर्न को, तो जैसे मैंने बताया कि स्टेप लैडर पैटर्न होता है फीवर का, फीवर कभी भी बेसलाइन को नहीं टच करता है, दिन में मल्टीपल स्पाइक्स आते हैं बट वो हर बार पहले से ज्यादा होते हैं। डेंगी में हाई ग्रेड फीवर आता है, मल्टीपल स्पाइक्स होंगे और उसमें जो टेम्परेचर होगा वो हाई ग्रेड जाएगा, फिर बेसलाइन को टच करेगा, फिर एक हाई ग्रेड फीवर आएगा, फिर एक बेसलाइन टच करेगा। मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर आता है, इंटेंस शिवरिंग होती है, बहुत कपकपाहट होती है मरीज को, लेकिन वो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार होता है, 1 in 24 or 48 hours। स्टेप लैडर पैटर्न नहीं होता है जैसा कि हम टाइफाइड में देखते हैं, ग्रेजुअली फीवर का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। मलेरिया, डिजिया, डेंगू में फीवर हाई ग्रेड इनिशियली ही स्टार्ट हो जाता है। ओके सर, कॉजेस की बात हो रही है, सिम्टम्स की हो रही है, अगर इस मौसम में हम अपने आप को बचाना चाहते हैं बीमारियों से, एंड स्पेशली हम टाइफाइड की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं।
पर्सनल हाइजीन है, आप कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड वॉश करें और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को अवॉइड करें, आउटसाइड फूड आउटसाइड वाटर को अवॉइड करें, घर पे भी अगर आप सब्जियां या फल लाते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करके यूज करें, बच्चों को एजुकेट करें कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, स्कूल या कॉलेज लेवल के एजुकेशन से आप इसमें प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा सिम्टम्स जैसे ही आते हैं आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, बिकॉज टाइफाइड में क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, इसके जो लैब टेस्ट हैं उनमें भी रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। इनिशियली फर्स्ट वीक में रिपोर्ट्स में ट्रू पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट्स भी आने में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको कोई भी लक्षण इसके मिलते हैं। और इसके अलावा आप टाइफाइड वैक्सीन भी है जो कि WHO के रिकमेंडेशन से पहले 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं अवेलेबल थी, अभी 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए भी है और एंडेमिक एरिया के ट्रेवलर्स के लिए भी है। सर जैसे आपने बताया कि बहुत से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लेकर हम इसको दूर रख सकते हैं टाइफाइड को। सर जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को फीवर आ रहा है या फिर कोल्ड कफ हो रहा है तो मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेकर ऐसे खा लेते हैं या फिर होम रेमेडीज होती है कि हल्दी का दूध पी लिए हो, तो क्या टाइफाइड में अगर उनको लग रहा है कि हल्के हल्के वो लक्षण आ रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी हैं जो हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर आप अभी डॉक्टर से किसी कारण से किन्हीं कारण से आप नहीं मिल पा रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो अनलेस क्योंकि आप इधर उधर के जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स हैं या तो रॉन्ग एंटीबायोटिक या रॉन्ग डोज या रॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट जो होता है वो 1 to 2 weeks का होता है, एटलीस्ट 10 to 15 days तक कोर्स करते हैं एंटीबायोटिक का, सो दैट कि कोई भी रेजिडुअल डिजीज ना रहती रहे। जैसे हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि फीवर शुरू हुआ 3-4 दिन के लिए, इनसे पास में किसी ने बताया किसी दवा की दुकान पे गया, वहाँ से कुछ एंटीबायोटिक ली, फीवर की दवा ली, 3-4 दिन में ठीक हो गया, दवा छोड़ दी, उसके एक हफ्ते बाद फिर से फीवर हो गया। इवेंचुअली क्या होता है वो रेजिस्टेंट केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं तो इनिशियली बहुत अच्छी हल्की थी और सस्ती वाली एंटीबायोटिक्स थी जो बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी टाइफाइड के लिए, अब वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। धीरे धीरे हर डिकेड में हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखना पड़ रहा है और अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ गए हैं जिनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये बता दो कि टाइफाइड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें कोई मॉर्टेलिटी नहीं है या डेथ नहीं होती है, बिल्कुल डेथ होती है, इसके इंसिडेंसेस भी हैं, तो इसको प्रॉपरली ट्रीट करवाइए। हाँ अगर आप किसी कारण से अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो इस बीच में ध्यान रखें कि अपने बॉडी को सुपर हाइड्रेट करके रखना है, हर तरह के तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल पानी, ORS, यीस्ट टाइप की चीज़ों से अपने को हाइड्रेट करके रखें, फीवर के लिए पैरासीटामोल की गोली लें और अपने आप को सारे लक्षणों को ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी तरह के और लक्षण जैसे शरीर में जाने के तरीके निकल रहे हैं, दर्द बहुत बढ़ रहा है, पैरासीटामोल आपने दिन में 2 से 3 बार ले ली फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है और आपके GI सिम्टम्स जैसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं तो फिर ज़्यादा डिले ना करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ओके सर जैसे आपने बताया कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी है टाइफाइड, इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेनी चाहिए अगर लगता है कि सीरियसली अगर आपको इतनी ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास आपको जाना ही पड़ेगा। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको टाइफाइड होता है या अपने किसी को भी हो सकता है?